चौहटन सुइया धाम जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कार्य शुरू करने को लेकर सोमवार को अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सुजाना राम बिश्नोई ने विभागीय टीम के साथ चौहटन मठ, कपालेश्वर व सुइया महादेव मंदिर पहुंचकर कार्यस्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान महंत जगदेश पुरी ने मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर की गई परिकल्पनाओं, संभावनाओं एवं कार्य योजना के अधिकारियों को जानकारी दी। महंत ने सुइया पोषण मेला के संबंध में डूंगरपुरी मठ, कपालेश्वर व सुइया मंदिर की महत्ता बताते हुए लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने के संबंध में अवगत कराया। सुइया धाम जीर्णोद्धार के निमित्त अब मठ से कपालेश्वर मंदिर तक होगा सड़क निर्माण। मठ से कपालेश्वर मंदिर व मठ से सुइया मंदिर तक नई सीढ़ियों का निर्माण व सुरक्षा दीवार सहित इन रास्तों में टिन शेड व फ्लेम पैच प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। कपालेश्वर से सुइया धाम व मठ में पानी की आपूर्ति के लिए बड़ी पाइपलाइन भी लगाई जाएंगी। आपको बताते चले, सुइया धाम जीर्णोद्धार के लिए विधायक पद्मराम मेघवाल के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा 6,80,00,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। महंत जगदेश पुरी ने आगामी पोषण मेले को लेकर जल्द कार्य को शुरू करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान रणजीत सिंह राठौर, गोविंद सोनी, राजेंद्र जोशी सहित साधु संत एवं भक्तजन भी मौजूद रहे। तो सारे काम प्रशासन ने यहाँ की मेले की कमियों की व्यवस्थाओं के देखते हुए 7 करोड़ रुपये की मांग हमारी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ली थी और 1,80,00,000 की पहली किस्त भी जारी कर रखी है। तो उसके लिए पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को और MLA साहब को और गांव के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की, विज्ञापन देने में साथ में चले, मांग रखने में साथ में चले, हमें हाँ मिलाया, काम की उचित मांगे थी तो सबको ये अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया, तो हम उनका आभार मानते हैं, धन्यवाद है। और पद्माराम जी ने, MLA साहब ने भी खूब मांग इसकी रखी, तो सभी गांव के मौजूद हुए, वकील साहब भी कपाल सर में लेके गया, मौका मुआयना करके आए सारे लोग गाँव के जो भी समझदार बुद्धिजीवी है। तो आगामी 24 के मेले में अच्छी व्यवस्थाएँ होगी, ये हमें पक्का विश्वास हो गया। और आज सोमपुरा जो मंदिर निर्माण करने वालों को सोमपुरा बोलते हैं, उन लोगों को हमने बुलाया कि कपालेश्वर के महादेव जी के मंदिर को क्यों नहीं ऊपर शिखर बनाया जाए, और ऊपर शिखर है नहीं मंदिर के, खाली वो ढांचा छत भरा हुआ है, कमरे टाइप दिखता है, तो उसकी भी पैसों की मांग हम उस बजट में साथ में जोड़ी गई है। तो सोमपुरा जी और PWD एक्शन साहब, PWD IN साहब और रणजीत सिंह राठौर और गोविंद भाई सोनी जो कपालेश्वर का कमेटी का सचिव है, राजेंद्र जी भी आ गए थे। निर्माण कार्य मंदिर के ऊपर शिखर बनाना और एक ऊपर दूसरा मंदिर उस पर ईंटों का शिखर बनाकर वो पुराना मंदिर तो उसको भी मंदिर का रूप देना है वापस। बाकी कपालेश्वर जाने में रास्ते में एक सीढ़ी यानी पूरी पूरी एक सीढ़ियाँ और नहीं बनानी है, एक सीढ़ियों का रास्ता है दूसरा बनाना है। और जो रोड कमेटी वालों ने बच्चों ने भगत लोगों ने जो पहले बनाई थी वो टूट गई, तो उसको सीमेंटेंट द्वारा करा के PWD से वापस नया बनाया, तो ऊपर माल ढुलाई निर्माण कार्य के लिए कांक्रीट वगैरह सीमेंट सरिये जो भी जाए वो कम पैसों में ऊपर चले जाएंगे। इसलिए पहले सीमेंट का काम होगा, रोड का काम शुरू होगा और बाद में मंदिर का, उसके बाद में जगह जगह शेड है छायादार बीच में रास्ते में, कहीं दीवार है, कहीं बैरिकेटिंग है, नई सीढ़ियों की ज़रूरत है, पानी के औदों की ज़रूरत है, कहीं पार्क में या लोगों के स्नान के लिए जगह जगह रोडों के 2-4 टुकड़े भी उसमें जोड़े गए हैं। मठ से सुइया तक रोड है, सीढ़ी बनी हुई है और उसकी दीवार जो बैरिकेटिंग के काम में आएगी, पक्की दीवार ठोस बनानी है। इंद्रवान तालाब के चारों तरफ लोहे की जाली और तालाब के आगे गेट लगा और उसको बंद करना, क्योंकि अंदर कचरा लोग डाल